नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए अमरीका रवाना। उन्होंने बहुपक्षीय एकजुटता अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और मंगोलिया ने अंतरिक्ष आपदा प्रबंधन और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। उद्योग और व्यापार जगत ने कॉरपोरेट कर में कटौती के सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा, इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी परिषद ने होटल किराया सहित कई उत्पादों पर दरों में कटौती की। इराक के पवित्र शहर करबला के पास बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत। रूस में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में आज अमित पंघाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान के शाखोबिदिन ज़ोइरोव से। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कल रात अमरीका की 7 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई और समावेशन के लिए बहुपक्षीय प्रयास तेज करने पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में बहुपक्षीय एकजुटता को और अधिक प्रभावकारी तथा समावेशी बनाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से वे सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की सफलता सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री कल ह्यूस्टन में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय समुदाय को हाउडी मोदी कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारतवंशियों के कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति की उपस्थिति भारत की व्यापक पहुंच के प्रमाण में ऐतिहासिक साबित होगी। व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में आयुष्मान भारत सहित विभिन्न उपायों से जरूरतमंदों को स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने में भारत की उपलब्धियां साझा करेंगे। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 50 किलोवाट के गांधी सौर पार्क और गांधी शांति उपवन का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक से अलग अन्य देशों के नेताओं और संयुक्त राष्ट्र संस्था प्रमुखों से भी मिलेंगे। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एनआरजी स्टेडियम में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय अमरीकी समुदाय को हाउडी मोदी सम्मेलन में संबोधित करेंगे। उनका पहला कार्यक्रम है अमरीका के ऊर्जा और व्यापार जगत के चोटी के सीईओ के साथ राउंड टेबल पर चर्चा। इसके बाद वे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे। 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित करेंगे। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मुहिम पर विश्व के नेताओं से रूबरू होंगे। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री स्वदेश वापस लौटेंगे। अतुल तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ह्यूस्टन। हमारे विशेष संवाददाता ने अमरीका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला से प्रधानमंत्री की यात्रा के महत्व के बारे में बातचीत की। श्री श्रृंगला ने कहा कि भारतीय अमरीकी समुदाय दोनों देशों के बीच एक सशक्त सेतु है। हमारे दोनों देशों के जो समुदाय है यूनाइटेड स्टेट्स में, इनका शक्ति लेके कैसे हम अपने संबंध को बढ़ा सकते हैं, इनका समर्थन लेके हमारे रिश्ते कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में दोनों राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी मेरे ख्याल से जरूर कुछ कहेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका को द्विपक्षीय व्यापार लगभग 150 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। कल मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश उन बाधाओं को दूर करने पर काम कर रहे हैं जिससे व्यापारिक संबंध प्रभावित हुए हैं। स्थिति में सुधार की आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। भारत और मंगोलिया ने अंतरिक्ष आपदा प्रबंधन और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया है।
कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मंगोलिया के राष्ट्रपति बटुलगा खाल्तमा की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग करने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान, साथ ही मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और मंगोलिया के खाद्य कृषि और लघु उद्योग मंत्रालय के बीच व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। मंगोलिया ने भारतीय यात्रियों के लिए कम अवधि के वीजा ऑन अराइवल की घोषणा की है। उद्योग और व्यापार जगत ने कॉरपोरेट कर में लगभग 10% की कटौती का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज होगी और भारतीय उद्योग विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने कहा कि कर राहत से मौजूदा मंदी से निपटने और आर्थिक वृद्धि में मजबूती लाने में मदद मिलेगी। एसोचैम ने कहा कि इससे न सिर्फ घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी बल्कि विदेशी निवेशक भी भारत में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने कल कॉरपोरेट कर दर मौजूदा 30% से घटाकर 25.17% किए जाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने गोवा में कहा कि निर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष से आयकर अधिनियम में नए प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2019 को या इसके बाद परिचालन शुरू करने वाली नई घरेलू कंपनियों को 25% के बजाय 15% की दर से आयकर देना होगा। एनी न्यू डोमेस्टिक इनकॉर्पोरेटेड 1 अक्टूबर 2019 के बाद गठित होने वाली नई घरेलू कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग में नया निवेश करने जा रही हैं, उन्हें 15% की दर से इनकम टैक्स का भुगतान करने का भी विकल्प मिलेगा। एट द रेट ऑफ 15%। जीएसटी परिषद ने होटल किराए सहित कई उत्पादों पर कर दरों में कटौती की है। पॉलिश किए गए अर्धमूल्यवान रत्नों पर भी कर दरें कम की गई हैं। परिषद ने कुछ अन्य मदों पर कर दर बढ़ाने की भी सिफारिश की है। वस्तु और सेवा कर के तहत करदाताओं के पंजीकरण को आधार से जोड़ने का भी फैसला किया गया। जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक कल गोवा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जयदीप धनखड़ ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को छात्रों के घेराव से बचाने के लिए स्वयं कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय जाने को उचित ठहराया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि एक कुलाधिपति के तौर पर वे विश्वविद्यालय गए थे। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की गंभीरता को दिखाती है। इस बीच राज्यपाल के विश्वविद्यालय जाने से राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में अगले वर्ष की शुरुआत में ही भारतीय खाद्य निगम FCI का एक पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। कल इम्फाल में उन्होंने कहा कि राज्य की कुल आबादी का 87% राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित लाभार्थियों के क्षेत्र में है। हमारे पास चावल का पर्याप्त भंडार है। हमारे गोदामों में क्षमता से दोगुना खाद्यान्न भरा पड़ा है। हमारी चिंता यह है कि कैसे इसे बेचा जाए या इसका निपटारा किया जाए। और बीते 5 वर्षों में चावल, गेहूं, मोटे अनाजों और यहां तक कि चीनी के दाम में 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जिले के पास गोदाम होना चाहिए, चाहे वो FCI का हो, राज्य सरकार का हो या फिर निजी क्षेत्र का हो। इराक में कल रात पवित्र शहर करबला में एक मिनी बस में हुए बम विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट उस समय हुआ जब करबला के दक्षिण में अल हिला कस्बे की ओर जा रही बस सेना के नाके से गुजर रही थी। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। रूस में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में आज अमित पंघाल का मुकाबला वर्तमान ओलंपिक चैंपियन उज्बेकिस्तान के शाखोविदिन जोयरोफ से होगा। पंघाल ने कल 52 किलो के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के साकेन बिसोफिनफ को हराया था। वे विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। 63 किलो वर्ग में मनीष कौशिक को कांस्य पदक मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com पर भी उपलब्ध हैं।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद चंद्रिका। कॉरपोरेट जगत को भारी राहत, आज लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दी है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, कंपनियों को भारी कर छूट से झूम उठा बाजार। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले की खबर भी कुछ अखबारों ने दी है कि आरक्षित और सामान्य वर्ग के साक्षात्कार अलग अलग लेना गैर कानूनी होगा। जनसत्ता ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के आह्वान को लेकर दुनिया भर में हजारों जगहों पर प्रदर्शन होने को प्रमुखता दी है। अखबार ने लिखा है, नई दिल्ली में छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी निकाली रैली। आज दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कुछ इलाकों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना नवभारत टाइम्स में है। राजस्थान पत्रिका ने खबर दी है, फेसबुक ने कहा, हम फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म नहीं, जिसे चाहेंगे उसे रोकेंगे। हरिभूमि ने लिखा है, ट्विटर ने यूएई, चीन और स्पेन सहित कई देशों के फर्जी खबर फैलाने वाले खाते बंद किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए अमरीका रवाना। उन्होंने बहुपक्षीय एकजुटता अधिक प्रभावकारी और समावेशी बनाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और मंगोलिया ने अंतरिक्ष, आपदा प्रबंधन और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। उद्योग और व्यापार जगत ने कॉरपोरेट कर में कटौती के सरकार के फैसले का स्वागत किया। जीएसटी परिषद ने होटल किराया सहित कई उत्पादों पर करों में की दरों में कटौती की। और रूस में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में अमित पंघाल का मुकाबला आज उज़्बेकिस्तान के शाहुविदिन ज़ोरोव से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।